हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है, सुबह के बज चुके हैं 6 और हमेशा की तरह दोस्तों एक नए स्टेट के बारे में आज हम फिर से डिस्कशन करने वाले हैं। उम्मीद है आप इसे रेगुलर देख रहे होंगे। सारे पुराने राज्यों के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आप सभी देख रहे होंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसे शेयर जरूर कर रहे होंगे ताकि सभी बच्चे देख सकें, ठीक है। इसके अलावा बाकी राज्यों के बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर जो है वो मैंने कमेंट के अंदर डलवा रखी है, वहाँ से आप सारे वीडियोस के बारे में देख सकते हैं, ठीक है, जो पुराने वाले राज्यों के बीत चुके हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं दोस्तों, वो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम छत्तीसगढ़ के बारे में काफ़ी कुछ है जो कि जानेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BUNESH10 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। आपको उस एग्ज़ाम के सभी क्लासेस मिल जाएगी, साथ में आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे के अंदर 40 स्टैटिक जीके की मेरी क्लास चल रही है, प्लस 96 टेस्ट सीरीज है जो कि आपको मिलेगी NTPC के लिए अगर आप BUNESH10 यूज करते हैं तो। IBPS PO मेंस की भी क्लासेस चल रही है और CGL की 15 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। नहीं पढ़ी है जीके तो एक बार CGL में पढ़ना, कभी लाइफ टाइम तक आप नहीं भूलोगे। इसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब कुछ आपको करवाने वाला हूं। आगे बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों मैप और ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो अपने देश के 28 स्टेट में से एक है जो कि सेंट्रल ईस्ट वाले पार्ट में है। 9 लार्जेस्ट है स्टेट इंडिया में और 1,35,190 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। 2011 की पॉपुलेशन की बात करूं तो नियर बाय यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो 25.5 मिलियन की पॉपुलेशन है जो कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है 16th मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी हमारे देश के अंदर, ओके। इसके अलावा यहाँ पे देखिए अगर हम तो सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टील के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। टोटल 15% टोटल देश के अंदर जो स्टील है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट है अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो हमारे देश में इस टाइम पे वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट। मिनरल रिसोर्सेज यहाँ पे काफी है। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हैं 2000 के अंदर फॉर्मेशन हुआ, रायपुर कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 27 है। अनुसुईया जी है जो कि अभी यहाँ पे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी। हाई कोर्ट है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर बीसलपुर और बिलासपुर के अंदर, ठीक है, बिलासपुर के अंदर इसका हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस की बात करें तो रामचंद्र जी है जो कि अभी चीफ जस्टिस है। इसके अलावा यहाँ की विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ पे 11 सीटें और राज्यसभा में आपको यहाँ पे 5 सीटें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे बड़ी सिटी भी यहाँ पे रायपुर ही आपको देखने को मिलती है। बिलासपुर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट है जो कि देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं बाउंड्रीज की बात करें तो एक तरफ मध्य प्रदेश है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ जो है वो झारखंड है, साथ में महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इसकी बॉर्डर है जो कि टच होती है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि 7 राज्य है जिससे इसकी बॉर्डर टच हो रही है, झारखंड, उत्तर प्रदेश, साथ में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और साथ में उड़ीसा। तो 7 राज्यों से जो है छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। स्टेट के सिंबल्स की बात करें तो वाइल्ड बफेलो जो है देख सकते हो ये एनिमल है, बर्ड है यहाँ पे मायना, और गिगेंटिया जो कि स्टेट फ्लावर है, और ट्री की बात करें तो साल ट्री है जो कि आपको देखने को मिलता है। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ मराठा रूल के अंडर में आया करता था, जो नागपुर के भोसले हुआ करते थे, ओके, उनके अधीन था 1741 से 1845 AD तक। मध्य प्रदेश से कटकर मध्य प्रदेश जो है काफी सारे राज्यों से मिलकर बनता है 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा, और उसका पार्ट जो है ये 44 साल तक रहता है। फिर 1 नवंबर 2000 को जो है पार्टीशन होता है और 10 छत्तीसगढ़ी और 6 गोंडी स्पीकिंग जो सदर्न ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश के, वो एक नया राज्य का फॉर्मेशन करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो पहले CM बनते हैं वो बनते हैं अजीत जोगी जी, और DN सहाय है जो कि यहाँ पे गवर्नर बनाए जाते हैं।
ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट है जो कि ईस्टर्न आइलैंड के एरिया में आपको देखने को मिलेगा, 44% एरिया कवर करता है। पूर्वी हाईलैंड वन के वनपाती जंगलों में राज्य का लगभग 44% हिस्सा है। सबसे ऊंचा स्थान यहाँ पे गौर लता है। राज्य के मध्य भाग महानदी नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपरी बेसिन में स्थित है। चावल यहाँ पे काफी कल्टीवेशन है जो कि होता है, ध्यान रखिएगा। और सबसे मेन नदी जो है वो यहाँ पे महानदी है दोस्तों। इसके अलावा प्रमुख नदियां यहाँ पे हसदो, साथ में रिहांद है, इंद्रावती, जोक, अरपा, शिवनाथ, ये सारी नदियां भी आपको देखने को मिलती है। 2018 के अंदर छत्तीसगढ़ के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए जहाँ पे दो फेजेस में हुए, 90 सीटों में, जिसमें INC ने यहाँ पे जबरदस्त विक्ट्री हासिल करी और 68 सीट है जो कि यहाँ पे हासिल करी। बीजेपी की मात्र 15 सीटें आई थी। मेजर डैम की बात करें तो गैंगरेल डैम इंपॉर्टेंट है, इसको सागर डैम भी कहते हैं, जो कि महानदी के ऊपर बना हुआ है। ओके, और ये यहाँ के लॉन्गेस्ट डैम है छत्तीसगढ़ का। मुरूमसिली डैम है यहाँ पे। इसके अलावा हसदो डैम इंपॉर्टेंट है, दुधवा डैम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा तो बाकी सारे के सारे जनरल डैम है जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। जनरल फैक्ट्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सोलवा मोस्ट पॉपुलेटेड है, 9th लार्जेस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी और स्टील काफ़ी है यहाँ पे, 15% टोटल स्टील का प्रोडक्शन करता है। लोवेस्ट डेंसिटी है नेशनल हाईवे की, सेंट्रल और साउथ इंडिया की, 12 किलोमीटर पर 1,00,000 लोगों के हिसाब से यहाँ पे लोवेस्ट डेंसिटी देखी जाती है, ठीक है। और ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना आसाम के, उसके सिमिलर है, ठीक है, अगर मैं नेशनल हाईवे की डेंसिटी की बात करूँ तो। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है दोस्तों रायपुर के अंदर, और एकमात्र कमर्शियल एयर सर्विसेज के लिए ये एयरपोर्ट है। स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे काफ़ी बड़ी है, भिलाई स्टील प्लांट का नाम सुना होगा, स्टील के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 5.4 मिलियन टन पर ईयर है जो कि इसकी कैपेसिटी है। इंडस्ट्री का ग्रोथ के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। देश का 20% सीमेंट भी यहीं पर ही प्रोड्यूस किया जाता है। कोल की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व भी है, और प्रोड्यूसिंग स्टेट है दोस्तों एकमात्र। जिसमें टिन की बात करें तो टिन सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं पर ही जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है ना। इसके अलावा यहाँ पे धान का कटोरा भी कहते हैं इसको, राइस बॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ पे बस्तर दशहरा होता है, लोकोत्सव होता है, और यहाँ पे गौंचा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, चंपारण मेला भी होता है, हरेली फेस्टिवल यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा डांसेस की बात करें तो शैला डांस, कर्मा, ओके, ये सारे डांस यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, रॉथ है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो इंद्रावती नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सीता नदी, इसके अलावा कंगर घाटी नेशनल पार्क, ये सारे आपके नेशनल पार्क भी यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। GI टैक्स की बात करें तो बस्तर के जो आयरन क्राफ्ट है, साथ में ढोकरा है और वुडन क्राफ्ट है, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है बस्तर लगते हैं आप समझ जाइए ये क्या है, छत्तीसगढ़ का है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो मामा भांजा टेम्पल है यहाँ पे, और कपिलेश्वर शिवा टेम्पल है, दुर्ग है, राजीव लोचन है, जोगी मारा केव्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बस्तर पैलेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देवरानी जेठानी टेम्पल है यहाँ पे, कैलाश गुफा भी देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो देवरानी जेठानी, मामा भतीजा, मामा भांजा, भतीजा नहीं है, मामा भांजा है, मामा भांजा टेम्पल है, तो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको तैयारी करनी है रेलवे की तो मैं आपको 96 टेस्ट है जो कि अवेलेबल करवा रहा हूँ, ओके, और रेलवे के सब्सक्रिप्शन के साथ में, आज लास्ट क्लास है 700 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और NTPC की बात करें तो मेरी 10 बजे क्लास चलती है स्टैटिक GK की। रेफरल कोड आपको यहाँ पे क्या काम में लेना है, Bhunesh10, BHUNESH, Bhunesh10 लेते हैं आपको 10% ऑफ। और रेलवे के अंदर जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी क्लासेस है, सारी आपको मिल जाएगी टेस्ट सीरीज के साथ में। और अगर IBPS PO मेंस की बात करें तो बैंक के अंदर आपको Bhunesh10 यूज करना है, BHUNESH, आपको IBPS जो प्री की क्लास चल रही है क्लर्क की वो भी मिल जाएगी सारी, साथ में आपको मेंस की भी मिल जाएगी सारी क्लासेस, साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। लेना कैसे है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करना है, रेलवे है, SSC है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका गोल हो आप रेफरल कोड यहाँ पे यूज कर सकते हैं।
Bunesh10 और आपको 10% ऑफ है जो कि मिल जाएगा और सारी क्लासेस भी आपको मिल जाएगी BHUNESH। उसके बाद में प्लस में जाना है, फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाना है, फिर 12 मंथ का आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत सस्ता पड़ेगा बस के किराया जितना, और रेफरल कोड के अंदर Bunesh10 डाल के आप पूरा फायदा उठा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।